अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ समीर रज़ा। आई एम अ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज बैरियर टाउन। आज हम आपके साथ प्रेजेंट 11 बी को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट 11 बी 125 स्क्वायर यार्ड का प्रेजेंट है और आपको मैं बता देता हूँ, मेन गेट से जो इसका डिस्टेंस बनता है वो बनता है तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। ये मेन जिना एवेन्यू रोड है, यहाँ से आप अगर लेफ़्ट साइड पर अंदर की तरफ मूव करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैक साइड के ऊपर प्रीसेंट 12 के जो आ जाता है वो प्रीसेंट 11 ए और 11 बी आ जाता है। तकरीबन आप 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर क्रॉस करने के बाद आप अंदर आते हैं तो ये प्रीसेंट 11 ए के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आता है प्रीसेंट 11 बी। 11 बी में जर्नल प्लॉट्स हैं, 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और जो इसकी ख़ास बात ये है कि बिल्कुल ये स्टार्टिंग में है, ऑन ग्राउंड है, रेडी टू कंस्ट्रक्शन के काबिल है ये प्रीसेंट और पोजेशन वाला एरिया है। बैरिया ने यहाँ पर जो है वो पोजेशन अनाउंस कर दिया हुआ है और यहाँ पर 125 गज के जो हैं वो विलास भी अवेलेबल है बैरिया के। आपको मैं बता देता हूँ कौन सा इसमें पोर्शन जो है वो बैरिया का वो प्लॉट्स का है और कौन सा विलास का। ये सारा एरिया जो है इसमें आ जाता है, तकरीबन ये आपका आ जाता है 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स में आ जाता है। ये सारा जो है इसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। अब हम बात करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के विलास का कौन सा एरिया है। ये लूप रोड के ऊपर जो पट्टी चल रही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, लूप रोड के ऊपर ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पट्टी चल रही है ये सारी जो है वो आपकी, मैं अगेन इसको जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, वो ठीक से नहीं हुआ। लूप रोड के ऊपर ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपकी पट्टी चल रही है ये सारी बैरिया होम्स की है, 125 स्क्वायर यार्ड की है। इसके नीचे जो भी है ये सारा 125 स्क्वायर यार्ड के जो हैं वो बैरिया के घर हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके रेट्स की। जर्नल प्लॉट्स में 11 बी के अंदर जो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है इसके अंदर जर्नल प्लॉट का जो रेट है वो तकरीबन 31 से 32 लाख रुपए का रेट वेरी करता है। जर्नल प्लॉट कौन से होते हैं, जो स्ट्रीट के होते हैं, सेमी कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा जितने भी आपके प्लॉट्स हैं वो सारे जर्नल प्लॉट्स कहलाएंगे। ये जो प्लॉट्स हैं स्ट्रीट के इन बिटवीन ये सारे आपके जर्नल प्लॉट्स हैं, इनमें सेमी कॉर्नर और कॉर्नर के प्लॉट्स नहीं हैं, ये जनरल प्लॉट्स कहलाएंगे आपके। इसके अलावा आ जाते हैं रोड के प्लॉट। लूप रोड ऊपर देख रहे होंगे, रोड 3 के ऊपर देख रहे होंगे, ये जो हैं वो रोड के प्लॉट्स हैं। इनके जो रेट्स हैं वो तकरीबन 32 से 33 लाख रुपए का रेट है जनरल प्लॉट का। ये रोड की मैं बात कर रहा हूँ, इस रोड की, ये रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरल, ये रोड के प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर जो प्लॉट का रेट है वो है 32 से 33 लाख रुपए का। इसके बाद हम बात करते हैं पार्क फेस की। पार्क फेस के ऊपर जो रेट है वो तकरीबन आपका 35 से 36 लाख रुपए के दरमियान जो है वो वेरी करता है। एक पार्क ये है, इसके सामने जितने भी प्लॉट्स आएंगे वो आपके इसी रेट के इन बिटवीन होंगे, 35 से 36 लाख रुपए के। एक पार्क ये है, इसके भी सामने जो प्लॉट्स आपके आएंगे वो तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए के दरमियान जो है वो वेरी करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है कॉर्नर के प्लॉट्स। कॉर्नर के कौन से प्लॉट्स कहलाएंगे, कॉर्नर के प्लॉट्स को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्लॉट जो हैं वो ऊपर आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर के प्लॉट्स हैं, ये नीचे वाली पट्टी जो है ये कॉर्नर की है, ये कॉर्नर के प्लॉट्स हैं। ये जो प्लॉट्स हैं इनके जो रेट्स हैं वो तकरीबन 37 से 38 लाख रुपए का रेट है कॉर्नर के प्लॉट्स का। उसके अलावा अगर किसी का कोई बैक कमर्शियल है तो वह जनरल प्लॉट में से 1 से 2 लाख रुपया कम कर दे मज़ीद तो वो आपके पास जनरल प्लॉट का रेट आ जाता है। अब हम बात करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलास की। 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलास कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया था, ये जो पोर्शन है ये सारा 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलास का है। उसके अलावा ऊपर की तरफ ये जो लूप रोड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर पट्टी है ये भी सारी 125 स्क्वायर यार्ड्स की है, विलास की है। इनमें जो जनरल विला का रेट है वो तकरीबन कोई 72 से 75 लाख रुपए का रेट है और इसमें जो कुछ विलाज हैं जो वो जहाँ पर बैरिया ने पोजेशन दे दिया वह कुछ ग्रे स्ट्रक्चर में अवेलेबल हैं, रेडी टू मूव के काबिल अभी नहीं है। इसमें जो पार्क पार्क के सामने आपका आएगा विला, उसमें एक छोटा सा पार्क है, इसमें
ये पार्क है। इसके सामने जिसके भी विलास वगैरह आएंगे उसका रेट 80 से 82 लाख रुपीस के दरमियान है, वेरी करेगा। और अगर किसी का कॉर्नर का कोई विला है तो उसका 85 से 90 लाख रुपीस के दरमियान जो है वो रेट जो है वो वेरी करेगा। ये कॉर्नर के विलास हैं। उसके अलावा ये विलास हैं जो कॉर्नर के हैं, ये भी विलास हैं कॉर्नर के हैं। इनके दरमियान जिनके भी विलास हैं उनका जो रेट वेरी करेगा वो तकरीबन 85 से 90 लाख रुपीज़ के दरमियान जो है वो रेट वेरी करेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था रेट्स में जो है वो वेरिएशन होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये रेट जो है वो कंफर्म नहीं है, डेली मार्केट में चेंजिंग जो है वो आती रहती है। ये थे 11B के विलास और 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीसेंट 11A के बारे में। प्रीसेंट 11A में 200 स्क्वायर यार्ड्स के और 150 स्क्वायर यार्ड्स के जो हैं वो बैरिया होम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसेंट 11A के अंदर जो 150 स्क्वायर यार्ड्स के जो हैं, जिसको हम जिसका कवर्ड एरिया है 125 स्क्वायर यार्ड, तो हम उसको 125 स्क्वायर यार्ड्स के होम्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं ये येलो पोर्शन जो आप देख रहे हैं, जितना भी एरिया है येलो कलर के अंदर, ये सारा जो है वो आपका है 125 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज हैं इसमें ये सारे। और आप इसको कह सकते हैं कि ये रेडी टू मूव विलाज हैं। 90% जो यहाँ पर विलाज हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं, यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं और ये कुछ लोगों ने इसको रेंट आउट भी किया हुआ है। अगर इसका एक्सपेक्टेड रेंट को देखा जाए तो 25,000 रुपया इसका एक्सपेक्टेड जो है वो रेंट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके रेट्स की तो 1,20,00,000 रुपये से लेकर 1,25,00,000 रुपये तक का जो रेट है वो वेरी करता है तकरीबन। वो मैं 200 के बारे में आपको बता रहा था। 1,20,00,000 का जो रेट है इसका, जो 125 स्क्वायर यार्ड के विलास का जो रेट है वो जर्नल विला का रेट है 95 लाख रुपीस से लेकर 1,00,00,000 रुपये तक का जर्नल विला का रेट है 125 स्क्वायर यार्ड्स के। इन विलास की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जर्नल विलास हैं, जर्नल विलास जो स्ट्रीट के विलास हैं, ये जनरल विलाज हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि इनके जो रेट हैं वो 95 लाख रुपए से लेकर 1,00,00,000 रुपए तक का रेट है विद की। और जो पार्क फेस है उनका रेट है 1,00,00,000 रुपए से लेकर 1,05,00,000 रुपए तक। और अगर किसी का कोई कॉर्नर है या रोड का विला है कॉर्नर का, तो उसका रेट है तकरीबन आपका 1,10,00,000 से लेकर 1,15,00,000 रुपए तक। ये रोड के कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, इनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ये रोड के कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर किसी का कोई सेमी कॉर्नर है तो वो भी वेरी करेगा तकरीबन आपका 1,00,00,000 से लेकर 1,05,00,000 रुपए तक। इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 90% ये जो विलाज हैं ये रेडी टू मूव हैं, यहाँ पर फैमिलीज रह भी रही हैं। सिर्फ 10% विलाज ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर विदाउट की होंगे या ग्रे स्ट्रक्चर में अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे विलाज हैं जो फेसिंग कमर्शियल या फेसिंग मॉस्क वगैरह आते हैं। फेसिंग कमर्शियल अगर किसी का कोई विला होगा तो वो आप तकरीबन 92 से 93 के दरमियान जो है वो इसका रेट जो है वो वेरी करेगा करंट मार्केट के मुताबिक। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसेंट 11A के 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलास के बारे में। प्रीसेंट 11A के जो 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की जो पट्टियाँ हैं या डॉट्स हैं, ये सारे जितने भी हैं ये 200 स्क्वायर यार्ड्स के 11A के जो विलास हैं, ये सारी लूप रोड के ऊपर पट्टी है। और ये देख रहे होंगे आप यहाँ से ऊपर की तरफ जितने भी ब्लू डॉट्स में हैं, ये सारे 200 स्क्वायर यार्ड्स के जो हैं विलास हैं। यहाँ पर आप 60 से 70% जो है वो वर्क कंप्लीट आउट हो चुका हुआ है, विलास रेडी हैं 60 से 70%। बाकी जो रिमेनिंग 30% है वो विलास जो अभी वो ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं उनमें भी पोजेशन नहीं आया, 60% विलास में पोजेशन आ गया हुआ है विद की अवेलेबल हैं। और यहाँ पर भी जो हैं वो फैमिलीज रह रही हैं और कुछ लोगों ने इनको रेंट आउट भी किया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो इसका 30,000 रुपया है। इसमें जो जर्नल विलास का जो रेट है वो तकरीबन 1,20,00,000 रुपए से लेकर 1,25,00,000 रुपए का रेट है बगैर चाबी के, जिनके विदाउट की। और अगर किसी का कोई विला जो है वो रेडी है विद की है तो उसका जो रेट वेरी करेगा वो तकरीबन 1,30,00,000 रुपए से लेकर
1,35,00,000 रुपए के दरमियान जो है वो उसका रेट जो है वो वेरी करेगा। और अगर किसी का कोई पार्क फेस विला अवेलेबल है इसमें, लाइक ये पार्क है एक इसमें ये पार्क के सामने जो इनके विलाज आ रहे हैं उनका रेट जो वेरी करेगा वो 1,40,00,000 से लेकर 1,42,00,000 रुपए तक विद की का रेट मैं आपको बता रहा हूँ इसके दरमियान जो है वो वेरी करेगा। और अगर किसी का कोई कॉर्नर का विला है ये कॉर्नर के विलाज हैं, लाइक ये कॉर्नर के विलाज हैं, इनके दरमियान जो विलाज हैं ये कॉर्नर के विलाज हैं, इनका जो रेट वेरी करेगा वो तकरीबन आपका 1,45,00,000 रुपए से लेकर 1,50,00,000 रुपए तक जो है इनका रेट जो है वो वेरी करेगा। मैं विद की के विलाज की बात कर रहा हूँ कॉर्नर की, विदाउट की अगर किसी के पास कोई है तो वो उसमें से 5 से 7 लाख रुपया माइनस कर देगा तो उसके पास विदाउट की का रेट आ जाएगा। अगर किसी का लूप रोड के ऊपर है, बैक कमर्शियल है, तो वो आप उसमें से तकरीबन कोई 7 से 8 लाख रुपया जो है वो माइनस कर देंगे तो वो आपके पास लूप रोड का जो विला है उसका रेट आ जाएगा। जनरल से हमेशा लूप रोड या बैक कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, बैक कमर्शियल के ऊपर किसी का कोई विला है या फेसिंग स्कूल है, लाइक अगर किसी का स्कूल के सामने आ जाता है, ये स्कूल है, लूप रोड भी है, स्कूल के सामने भी है, तो इसका जो रेट वेरी करेगा वो तकरीबन आपका वेरी करना चाहिए जनरल विले के बराबर, ठीक है। जनरल विले से भी आपका तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपया इसका जो रेट है वो कम होना चाहिए, तकरीबन कोई 1,27 से 1,30 के दरमियान होना चाहिए जनरल विले का रेट अगर किसी का स्कूल या लूप रोड के ऊपर आ रहा है। बैक कमर्शियल भी बनता है और फेसिंग स्कूल भी आता है। अगर किसी का यहाँ पर 11B या 11A के अंदर कोई विला 200 square yard का 125 square yard का कोई प्लॉट या विला अवेलेबल हो और वो उसके बारे में करंट मार्केट वैल्यू के बारे में जानना चाह रहा हो या उसको सेल आउट करना चाह रहा हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, आपकी बिल्कुल सेफ एरिया आता है, सेफ जोन आता है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे UN नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमारा UAN नंबर जो है वह है 0304111522। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।